कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे का कहना है कि मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके 1,86,000 परिवार अर्थात 5,43,00,000 नागरिक इंदिरा गृह ज्योति योजना के दायरे में आ गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कमलनाथ सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनवाई। गर्व का अनुभव करते हैं ये कहते हुए कि मुख्यमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, जो स्वप्न देखा, आज वो साकार और चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रगति का जो प्रशस्त मार्ग निर्धारित किया था, प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद उस कठोर डगर पर सधे हुए कदमों से वे चल रहे हैं। आज ये बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि हमने इंदिरा गृह ज्योति योजना का आंकड़ा 1,00,00,000 परिवारों के पार कर लिया है। कुल मध्य प्रदेश में घरेलू बिजली के उपभोक्ता लगभग 1,16,00,000 हैं, जिसमें से इस माह हमने जो उपलब्धि हासिल की है वो 1,86,000 परिवार अर्थात 5,43,00,000 परिवारों को उसके दायरे में लेकर आए हैं। न सिर्फ हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की सुध ली, मगर लगता है प्रदेश के नागरिकों ने भी मानस बना लिया है कि वे ऊर्जा संरक्षण की दिशा में वे भी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। हमने तय किया था कि 150 यूनिट तक जो उपभोक्ता बिजली खर्च करेंगे उनकी पहली 100 यूनिट 1 रुपए में दी जाएगी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी आबादी को सिर्फ 2 माह के कार्यकाल में किसी योजना में इतना बड़ा प्रतिसाद दिलाया है। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया जाना चाहिए। बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।